अब मैं अति संयोक्ति अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो काव्य में जहां पर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब गांव में जिसको कहते भौकाल, तो दीर्घ हांकने को कहते, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके तिल को तार बना देना है अतिशयोक्ति। तो फिर से सुन लीजिए, काव्य में जहां पर किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, मद्यप बोला मुझे देखकर नाहर रीडर जाते, मेरी तीव्र नाद को सुनकर है मतंग मर जाते। एक शराबी था और नशा यानी मद्य की मादकता चरम पर थी, पी करके टाइट था। बोला कि मद्यप बोला यानी शराबी बोला, मुझे देखकर नाहर भी डर जाते, मुझे साधारण मत समझिए, मुझको देख करके शेर भी भयभीत हो जाते हैं, और मेरी तीव्र नाद को सुनकर, और जब मैं गरजता हूं तो हाथी तो मर जाते हैं। यह अतिशयोक्ति है। तो ऊपर युक्त पंक्ति में इतना शराबी की बात को इतना बढ़ा, शराबी ने अपनी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो रहा है। यह सबकी समझ में राय किया उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि काव्य में जहां पर किसी विषय का प्रतिपादन इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, मद्यप बोला मुझे देखकर नाहर भी डर जाती, मेरी तीव्र नाद को सुनकर है मतंग मर जाती। ऊपर युक्त पंक्ति में शराबी के बारे में बतलाया गया है, शराबी कह रहा है कि मुझे साधारण व्यक्ति मत समझिए, मैं बहुत ही बहादुर हूं, मुझे देख करके शेर भी डरने लगते हैं, और जब गरजता हूं तो हाथियों की तो मौत ही हो जाती है। तो यहां पर सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। आज का काम समाप्त। जय हिंद, जय भारत।